जहन साथी दिखती रीनिंग का प्रश्न दिया उन्होंने, DG15 का जो संबंध GM20 के साथ में है, RM35 का वही प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ में होगा। तो सबसे पहले आपको सॉल्व करना है, उसको तो सॉल्यूशन देखना है। हम सबसे पहले लेटर की नंबरिंग करते हैं। डी आता है 4 नंबर पे, जी आता है 10 नंबर पे, जी आता है 7 नंबर पे, एम आता है 13 नंबर पे, आर आता है 18 नंबर पे और एम आता है 13 नंबर पे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्या लॉजिक लगा है। यहाँ 4 है, 4 से कितना पहुँच रहा है 7, प्लस का कितना हुआ 3 हुआ। ठीक, यहाँ 10 है, 10 से कितना पहुँच रहा है 13, यानी यहाँ कितने हुआ प्लस का 3 हुआ। अब नंबर में देखते हैं, यहाँ 15 है, यहाँ 20 है, यानी 15 से 20 हो रहा है, यानी कितना हो रहा है प्लस का 5 हो रहा है। ठीक, तो क्या हुआ, पहले वाले लेटर में, लेटर के नंबर में प्लस 3 जोड़ा, दूसरे वाले में भी 3 जोड़ा और तीसरे वाली संख्या में हमें प्लस 5 जोड़ना है। तो क्या लॉजिक लगा यहाँ पे, पहले वाले लेटर के नंबर में 3 जोड़ना है, दूसरे वाले में भी 3 जोड़ना है और इस संख्या में जो है हमें प्लस का 5 जोड़ना है। अब 18 है, 18 में 3 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा हमें 21 मिलेगा, और इस बिन 21वें नंबर पर कौन सा लेटर होता है, यू होता है। 13 है, 13 में 3 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 16, 16वें नंबर पर कौन सा लेटर होता है, पी होता है। ठीक, 35 है, 35 में प्लस 5 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 40, यानी कितना हो जाएगा यू पी 40। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।